पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे नागौरी दाल। चलिए हमें चाहिए हाफ कप ब्लैक मसूर दाल, इसको हमने वॉश करके सोक कर लिया है। 1/4 कप मूंग धुली, इसको भी हमने वॉश करके सोक कर लिया है। अब इसको हम बॉईल करेंगे। हम प्रेशर कुकर में दोनों दाल डाल लेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, इसमें पानी ऐड कर लेंगे, इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, वन फोर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम 3-4 विसल लगा लेंगे। दाल बॉईल हो गई है, अब इसका हम तड़का लगाएंगे। दाल में अब हम घी डाल लेंगे और इसको गरम कर लेंगे। आप इसको स्टील की कढ़ाई में बनाएं, इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून सौंफ, इसको क्रैकल होने देंगे। अब इसमें हम साबुत लाल मिर्च डालेंगे, मैं इसमें 5 साबुत लाल मिर्च यूज कर रही हूँ, इसको हम तोड़ के डाल देंगे। हम 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक डालेंगे, 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली, ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्यू सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून चॉप अनियन लेंगे, इसको डाल लेंगे और सॉटे कर लेंगे। अनियन सॉटे हो गया, अब इसमें हम 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी डालेंगे। चॉप कोरिएंडर लीव्स, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना। इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम दाल डालेंगे जो हमने बॉईल करी है। इसको मिक्स कर लेंगे। दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको हम 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। अब हम दूसरे फ्लेम पे एक तड़का रेडी कर लेते हैं इसके लिए। अब हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, इसको गरम कर लेंगे। इसमें हम रेड चिली डालेंगे साबुत, इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे और दाल के ऊपर तड़का लगा लेंगे। नागौरी दाल तड़का रेडी है, अब इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको जरूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आज की रेसिपी नागौरी दाल। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।